सीधे सीधे हम लोग आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर वन पे, ठीक है बच्चे। और क्वेश्चन नंबर वन हमारा बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज किया गया है ना। आपने एंगल को पढ़ने के कई सारे तरीके देखे होंगे, रेडियन या फिर डिग्री, ये दो हम लोग यूज़ करते आए हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों को अगर आपस में आपको कन्वर्ट करना है किस तरीके से करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग डिग्री की भी बात करें तो 90 में कितने आपका एक ये जो एंगल होता है इसमें कितने डिग्री होते हैं, इसमें 90। रेडियन की भी बात की जाए वही आपका पाई अपॉन 4, ठीक है। तो 1 डिग्री, अगर डिग्री को हम लोग कभी चेंज करें, ठीक है, तो डिग्री के नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे, 90, और फिर ये आपका होता है रेडियन, रेडियन के नीचे हम लोग लिख लेंगे पाई अपॉन 2, ठीक है। ये आपका सिंपल सा एक फार्मूला है, हमेशा यही आपका यूज़ होगा अगर आपको डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री को, किसी को भी किसी एक में कन्वर्ट करना है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री दे रखा है, मतलब डिग्री की जगह आप 1 डाल दीजिए, 1 डिग्री अपान आप 90 कर दीजिए, इज इक्वल टू आर में वो कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग आर की वैल्यू निकालें तो आर की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू पाई बाई 2 या डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। नीचे आपका 90 है ही, पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14 कह लो या फिर आप 22/7 के आसपास कह लो, ठीक है, वो वैल्यू आप पाई की जगह पुट कर दोगे, बस सिंपल सा। इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई अपान 2 लिखेंगे, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन लिखा लगाते हैं तो 1/90 हम लोग लिखेंगे, सिंपल सी ये बात है। पाई की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, वो पाई की वैल्यू आप डाल देंगे और फिर 2 × 90 से आप उसे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे आपको देखने से लग रहा होगा यही कुछ आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है आपका आंसर, नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे आप डिवाइड करने से बाकी 3 मैच नहीं करेंगे, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे सीधे आप बता सकते हो कि हाँ इसकी वैल्यू ये होगी, क्योंकि बाकी कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। इतना ज़्यादा आपके अलग ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, अगर इसी के आसपास सारे ऑप्शन दे रखे होते तो फिर आपको डिवाइड करना होता, लेकिन डिवाइड भी आप कर लेते, इतना आसान होता डिवाइड करना, सभी को आता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ थी, ये क्वेश्चन था आपका जिसको हमने डिग्री से कन्वर्ट किया है रेडियन में, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना होता है, इतना रेडियन होगा, 0.0175 रेडियन होगा, ठीक है। तो डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कभी कन्वर्ट करने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, सिंपल सी चीज़ है। और ये आपका क्वेश्चन कम्प्लीट हो रहा है, ठीक है, डन, आपका इसका आंसर भी ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप वही फार्मूला लगा लोगे, डिग्री के नीचे आप 90 रखोगे इज इक्वल टू रेडियन के नीचे आप पाई अपान 2 रखोगे, जो वैल्यू दे रखी 150 डिग्री दे रखी है तो डी की जगह आप 150 डिग्री पुट कर दो, अपान आप 90 कर दो, इज इक्वल टू आर अपान आप पाई बाई 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आर निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आपका पाई बाई 2 इधर आप मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 150 के मल्टीप्लाई में आपका पाई बाई 2 आ जाएगा, नीचे आपका 90 है, इसकी वैल्यू आप देख लीजिए कितनी होगी, वो आपकी वैल्यू होगी एज में जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका कुछ इस तरीके से ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है, और ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों का NTSC में ऐसा आ जाता है कभी कभी कि डिग्री को रेडियन में या तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, फार्मूला आपके सामने है, जो भी आपको दे रखा होगा आ जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन आपको पाई में ही दे रखे थे, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी जैसे अभी इससे पहले वाला पॉइंट में दे रखा था तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 के आसपास, वो आप यहाँ पुट करेंगे, नहीं तो 3.14 पुट कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, बात ख़त्म होती है, ठीक है, डन। हाँ कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक 1 की याद कर लो बाकी मल्टीप्लाई कर लो, वो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस टाइप के ऑप्शन में वो काम नहीं करेगा, है ना, या फिर इसी में पाई वाले में एक कन्वर्ट करके निकाल लो, ठीक है। लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कौन सी चीज़ है, क्या ज़रूरत है, वो वैल्यू याद करो वो, ठीक है, याद करना चाहते हो कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आसान चीज़ है, सिंपल चीज़ है, कुछ ऐसा है ही नहीं कि इसमें आप रट लो याद कर लो, क्या ज़रूरत है, है ना। क्या चीज़ बेटा,
नहीं बेटा, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 नहीं आपको पुट करने की ज़रूरत है, पाई की वैल्यू आप 3.4 पुट करोगे, ठीक है, जो वैल्यू होती है, ठीक है। वो सिंबल के तरीके से हम लोग डिग्री उसको यूज़ करते हैं, वो चीज़ नहीं, हम लोग यहाँ डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या चीज़ क्या करें? अच्छा, पिछली स्लाइड पे ले जाएं। हाँ बताइए। अरे शीट भेज देंगे, लिखना क्या है? शीट भेज देंगे बेटा, ठीक है। और नहीं तो वीडियो तो पढ़ी जाएगा, तो हाँ वीडियो देखा करो यार, व्यूज़ बढ़ाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से आपके सामने है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका लगातार आता रहता है NTSC या कई सारे एग्जाम में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, 3, 2, 1 ऑप्शन सी। और बाकी लोग क्या कहते हैं बच्चे? ऑप्शन सी। इसका मतलब और कोई बताएगा क्या बच्चे, ऑप्शन कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने डिग्री और रेडियन की बात की, आपको पता होना चाहिए ये लिखा हुआ है सिर्फ sin 2 या फिर sin 1 या sin 3। इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपकी रेडियन है, ऊपर कोई आपका डिग्री का साइन नहीं लगा है। आप समझिए ये sin 1 डिग्री नहीं है, ये sin 1 रेडियन है, ठीक है। अगर डिग्री होता तो ऊपर आपका छोटा सा गोला सा बना होता, सिंबल बना होता जो आपका डिग्री को होता है, ठीक है। तो ये रेडियन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो कि साइन का ग्राफ कैसा होता है, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। साइन का ग्राफ बेटा कैसे होता है? कुछ इस तरीके से साइन का आपका ग्राफ होता है, ये बात क्लियर है क्या? ये साइन का ग्राफ होता है। यहाँ पे ये कितना होता है, या आप कह ले 180 डिग्री, या आप कह ले पाई, ठीक है, पाई भी इसी को बोलते हैं, या फिर आप कह ले 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो के सर्किल कहाँ पूरा हुआ? यहाँ पे। तो जब सर्किल पूरा होता है तब होता है वो 360 डिग्री, ठीक है। तो साइन का ये ग्राफ है आपका, ठीक है, ये आपका सिमिलर होता है, कांग्रुएंस कह सकते हैं, ठीक है। हाथ से उतना अच्छा बन नहीं रहा है, लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। जितना साइज इसका है उतना साइज इतना है, जितनी यहाँ से लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी, ठीक है। हाथ से उतना क्लियर आपका नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। ये आपका साइन का ग्राफ है, बात समझे, ये आपका साइन का ग्राफ है, ठीक है। साइन एक्स मान लो, कुछ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे जब हम 0 से स्टार्ट करके यहाँ पे पहुँचे, मतलब 180 डिग्री हमने घूम लिया, आधा सर्कल घूम लिया, ठीक है, या फिर आप कह लो पाई। फिर यहाँ से फिर हाफ सर्कल जब हमने कंप्लीट किया तो यहाँ पहुँचे, अब हम पूरा सर्कल कंप्लीट कर चुके हैं। तो जब इस तरीके से आपने देखा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सर्कल हम लोग कंप्लीट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 360, मतलब ये हो गया 360। जब ये हो गया 360 तो ये हो गया 180, ठीक है। 180 को हम लोग पाई भी बोल लेते हैं अगर रेडियन की बात की जाए, ठीक है। तो रेडियन में पाई, डिग्री में 180। पाई की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है? पाई की वैल्यू आपकी होती है बच्चे 3.14। अच्छा, तो अब आप बताइए जरा पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.57। तो इसकी वैल्यू हो गई 1.57। अच्छा, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 4 बेटा डिवाइड करके, इतने सारे लोग हो बताओ, कैलसी बिना यूज किए 0.78, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आपको गलती से भी गलत नहीं बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू पता 3.14, 2 से डिवाइड कर दीजिए ये, 4 से डिवाइड कर दीजिए ये, ठीक है। यहाँ तक अगर पाई है तो इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ तक कितना होगा? पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा, बोलिए बेटा। और इसके भी ये सेंटर में यहाँ पे कितना होगा? पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा, बताइए बच्चे।
है ना। ये वाली आपकी लेंथ क्या होती है, ये लेंथ होती है आपकी मैक्सिमम वन, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा साइन की वैल्यू कितनी मैक्सिमम होती है, वन, वन से लेकर माइनस वन, ठीक है। अब आप देखेंगे साइन पाई बाई टू, अगर हम लोग बात करें साइन पाई बाई टू ये है, तो पाई बाई टू पे वैल्यू साइन की कितनी आ रही है, वन। क्या टेबल में जो आपने रटी थी, याद की थी, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है क्या बच्चे? बोलिए, बोलते रहिए। एक बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये साइन का ग्राफ है, इसको समझ लीजिए। इसी तरीके से कॉस का ग्राफ होता है, टैन का होता है, कॉट का होता है, कॉसेक का होता है, सेक का होता है, हर चीज़ का ग्राफ कुछ इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। हम लोग साइन का और कॉस का ग्राफ आपको आज बताएंगे, और यही दोनों ग्राफ आपके यूज़ आएंगे, ठीक है। हाँ, उसी तरीके से, लेकिन वो सब उतने काम नहीं आएंगे, वो आपको ट्वेल्थ में एक बार फिर से बताएंगे। अभी हमें बस साइन और कॉस में ही काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू, मतलब साइन 90 की वैल्यू सबको पता है वन होती है, तो यहाँ तक देख लीजिए आप, हाइट वन ही है। अगर साइन पाई बाई फोर की वैल्यू आप बात करें, तो साइन पाई बाई टू फोर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वन अपॉन रूट टू होती है। तो यहाँ तक आपकी हाइट ये वन अपॉन रूट टू ही आएगी, अगर आप करेक्ट ग्राफ बना के उसे मेजर करें, ठीक है। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है जीरो होती है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए साइन जीरो की वैल्यू जीरो, मतलब कोई हाइट नहीं है, ठीक है, बात समझ गए हैं। तो ये आपकी जो हाइट होती है, यही इस नंबर पे साइन की वैल्यू होती है। साइन 180 की वैल्यू फिर से यहाँ जीरो आ जाती है, साइन 360 की वैल्यू फिर से यहाँ जीरो आ जाती है, ठीक है। साइन 270 पर यहाँ पे वैल्यू जब आएगी, तो वो आपकी निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जीरो से लेकर पाई तक, या जीरो से लेकर 180 तक सारी साइन की वैल्यू आपकी ऊपर जा रही है, मतलब पॉजिटिव है। फिर 180 से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये सारी वैल्यू आपकी इधर की निगेटिव आ जाएंगी। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं जो हम कर रहे हैं आज? साइन 180 की वैल्यू बेटा जीरो होगी, साइन 180 की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ पे देखिए आप। एक बार और बता दें, तो ये आपका, आपके सामने साइन का ग्राफ है, ठीक है, साइन का ग्राफ है। अरे वो तो साइन ए मान लो, कुछ भी मान लो, वो तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वो तो हमने यहाँ पे जैसे लिख लिया, यहाँ पे पाई, अगर रेडियन की हम लोग बात करें, पाई डिग्री की बात करें, 180, बात समझे, वो तो दोनों चीज़ें हैं ना, पाई रेडियन है, 180 डिग्री है। तो साइन 180 की अगर कोई वैल्यू पूछ रहा है, तो हाँ ठीक है, ये वाली होगी। साइन पाई की वैल्यू कोई पूछ रहा है, तो ये होगी जीरो, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है, दोनों चीज़ें इसलिए हमने लिख दी है। अब 180 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 45 आ जाएगा, पाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे पाई बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे पाई बाई फोर आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। तो ये आपका बेटा ग्राफ है, इस ग्राफ में साइन की वैल्यू देखने के लिए, जैसे साइन पाई बाई टू या साइन 90 की वैल्यू, तो 90 पे आप देखेंगे ये हाइट आपकी आ रही है, और ये हाइट कितनी है, वन, हमने यहाँ सामने लिखा है मैक्सिमम इस ग्राफ की हाइट कितनी होती है, वन। तो साइन 90 की वैल्यू कोई पूछे, तो ये वाली हाइट होगी जो कि वन है। साइन पाई बाई फोर की वैल्यू देखे, या साइन 45 की, तो ये हाइट होगी जो इतनी ये है, ठीक है, ये इतनी हाइट आप देख रहे हो, ये आपकी हो जाएगी साइन पाई बाई फोर की। साइन जीरो की कोई वैल्यू पूछे, तो जीरो पे तो जीरो ही है, आपको पता भी है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, टेबल में आपने याद किया होगा। तो ये सारी एक्चुअल आप यहाँ से साइन की वैल्यू निकालते हो, जो आपने टेबल वेबल में रटा है, वहाँ तो आपने स्टैंडर्ड एंगल रट लिया है, लेकिन यहाँ से आप किसी भी चीज़ की साइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7 जितने डिग्री हैं सबकी वैल्यू आप देख सकते हो, और फिर ये पता लगा सकते हो कि किसकी वैल्यू किससे कम या किससे ज़्यादा होगी। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जीरो से लेकर 90 तक क्या साइन की वैल्यू बढ़ रही है, और फिर 90 से लेकर 180 तक फिर से साइन की वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपकी 90 पे मैक्सिमम साइन की वैल्यू है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे साइन की वैल्यू कम होती जाएगी, घटती जाएगी। बात क्लियर है क्या इतनी, बोलिए बच्चे लोग। अच्छा, इसमें देख लो वो वैल्यू कहाँ आ रही है, वही हाइट नहीं आएगी ना सर, इधर आधा उधर आधा। हाँ तो इधर आएगी ना, तो फिर इधर निगेटिव, अच्छा इधर आएगी, हाँ, तो ठीक है इधर ले लेना, जहाँ पे आए किसकी वैल्यू इक्वल होगी, एक मिनट, साइन पाई बाई फोर और साइन टू पाई अपॉन थ्री,
इक्वल कैसे होगी बेटा, 2π/3 ये वैल्यू आप निकालिए कुछ और हो रही है और ये वैल्यू कुछ और हो रही है, ये तो दोनों रेडियन अलग है। अरे पाई, अच्छा 3, एक सेकंड वो भी आप लिख लेते हैं, क्या कह रहे हो, साइन 3 3π/2 है ना, पाई बाई टू के तीन पार्ट ले लिए, पाई बाई टू ये इतना आ रहा है तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और फिर एक पार्ट ये, यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। और ये होगा साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर तो यहाँ पे आ रहा है ना, साइन पाई बाई टू के इक्वल होगा अगर मॉड की वैल्यू, मॉडुलस की वैल्यू देखी जाए, है ना, क्योंकि जितनी हाइट यहाँ पे होगी उतनी ही हाइट यहाँ पे होगी, लेकिन फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे हाइट पॉजिटिव है, यहाँ पे हाइट निगेटिव है, बात समझे भाई। साइन 3π/2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाली हाइट 3π/2 आ रहा कि नहीं, समझ रहे हो। और साइन कौन सा, साइन पाई बाई टू ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू निगेटिव होगी, मॉडुलस वैल्यू दोनों की इक्वल होगी, क्योंकि मॉडुलस में फिर माइनस या प्लस साइन का कोई मतलब नहीं रहता है, तो अगर मॉडुलस वैल्यू की बात की जाए तो दोनों की इक्वल हो जाएगी, बाकी अगर बात की जाए तो साइन दोनों का अपोजिट होगा। हाँ, मॉडुलस वैल्यू इक्वल, बाकी साइन अपोजिट, हाँ कौन कौन सा बोलो, साइन पाई बाई फोर, ठीक है ये वाली वैल्यू आ गई, हाँ दूसरी 3π/4, 3 मतलब पाई बाई फोर के तीन पार्ट, तो पाई बाई फोर इतना हमने लिया, फिर पाई बाई फोर इतना ले लिया, फिर इतना ले लिया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, हाँ तो ये दोनों इक्वल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आराम से बस यहाँ पे आपको देख लेना वो वैल्यू कहाँ जा रही है, हाइट देख लेना, और वो तो आप जान ही जाओगे कि कौन सी हाइट किसके बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट से इधर और इधर का आपका ये जो ग्राफ है ये क्या है, कांग्रुएंस है ना, या कलो सिमिलर है, जिस तरीके से यहाँ तक इंक्रीजिंग था उसी तरीके से डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ से उसी तरीके से नीचे की तरफ ग्राफ आपका शुरू होता है, ठीक है, आप लोग भी समझ रहे हो, जितने लोग हो बातें ये समझ रहे हो ना, क्यों बच्चे बोलिए, जितने लोग आप लोग ऑनलाइन में हो बातें समझ रहे हो, ठीक है तो ये बातें समझ रहे हो, साइन पाई बाई टू की वैल्यू साइन 3π/2 के इक्वल होगी, कैसे होगी आपने समझ लिया, ठीक है, ये इक्वल होंगे कैसे होंगी, मॉडुलस वैल्यू की अगर बात करें, अगर हम लोग प्लस माइनस साइन इग्नोर मारे तब के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आइए, ये चीज़ें कुछ हटाते हैं फिलहाल, स्पेस करते हैं, जो अपना क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ठीक है, लेकिन इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे ना, हाइट से आप क्या करोगे, हाइट से आप मैच कर लोगे तो आप कर लोगे, हाइट से मैच करोगे बस, ठीक है, कोई भी पता चलेगा ना, अभी देखो हम इसमें करते हैं अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है, जैसे अब ये साइन वन ये कहाँ पे आएगा, साइन वन की बात अगर हम लोग करें तो ये कहाँ पे आएगा, हमने देखा है ये देखिए 3.14 यहाँ पे आ रहा है, 3.14 ये आ रहा है, 1.57 ये आ रहा है पाई बाई टू पे, है ना, पाई बाई टू पे 1.57, तो वन के कहाँ आएगा, वन आपका आ जाएगा इससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पे आएगा कहीं, अरे यार बाइक किधर से जाओगे, कोई ऑप्शन नहीं है, फिर से बना लो, वन की वैल्यू कुछ इसके आसपास आएगी क्या बच्चे, यहीं पे लगभग आएगी, है ना, वन की वैल्यू वन यहीं पे तो होगा आपका, होगा कि नहीं होगा, है ना, पाई बाई टू आपका क्या है 1.57 और ये है आपका 0.78, तो इन दोनों के बीच में ही तो वन की वैल्यू होगी, मतलब साइन वन की वैल्यू ये वाली हाइट आपको मिलेगी, साइन वन की वैल्यू मिलेगी ना, है ना, यहाँ से कितना दूर है आप ये भी देख सकते हो, इस पाई बाई टू से कितना दूर है आप ये भी देख सकते हो, कितना दूर है 0.57 डिस्टेंस पर है ना, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 0.57 डिस्टेंस होगी, बात क्लियर हो रही है, उसके बाद क्या है साइन टू है, तो साइन टू कहाँ पे आएगा, देखिए 1.57 इधर है तो टू कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पास आएगा, ये यहाँ पे आएगा, है ना, इससे कितना दूर आएगा, ये वाली अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो कितना दूर आएगा, है ना,
देखो ये आपका था 1.57 और 1.57 से पहुंच गया 2 पे, है ना, तो कितना दूर आया 0.43, है ना। इस वाले मीडियल मिडल से इस जो हाइट 1 पे था इससे 0.43 डिस्टेंस पे आ गया है ये साइन 2, ये आपका हो गया 2 पे ये हाइट होगी साइन की। उसके बाद है 3 पे क्या हाइट होगी ये चेक करो। ये 3 आपका कहीं यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 3, है ना, और इसकी डिस्टेंस तो पाई बाई 2 से सबसे ज़्यादा है ये जो तीनों है। तो अब हाइट आप देखो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी होगी बेटा, साइन 2 की होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 2 वाला जो आपका है ये पाई बाई 2 के सबसे नज़दीक है, तो इसी की हाइट तो सबसे ज़्यादा जाएगी। पाई बाई 2 पे आपका मैक्सिमम था ग्राफ पे, तो इसके सबसे पास है 2 वाला साइन 2, तो इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, तो साइन 2 आपका सबसे ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए बेटा, साइन 2 सबसे ज़्यादा हुआ। बाकी लोग समझ रहे हो कि साइन 2 सबसे ज़्यादा हुआ, कैसे हुआ, बोलिए बेटा ऑनलाइन वाले। अच्छा, तो आपका साइन 2 इस तरीके से सबसे ज़्यादा हो गया, यहीं से देखोगे, है ना, कि साइन 2 कहाँ रहा और फिर उसकी हाइट आप बाकी हाइट से कंपेयर कर लोगे, है ना। साइन 2 यहाँ रहा, इसकी हाइट ये है, साइन 1 यहाँ रहा, इसकी हाइट ये है, साइन 3 यहाँ रहा, इसकी हाइट ये है, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा, है ना। तो साइन 2 आपका सबसे ज़्यादा हो गया, साइन 2 आपका सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी, आगे की चेक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप चेक करना चाहो तो चेक करना चाह कर सकते हो, क्योंकि 2 के बाद फिर किसकी हाइट ज़्यादा है, फिर साइन 1 की हाइट ज़्यादा है और सबसे कम हाइट है साइन 3 की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा साइन 2, उसके बाद फिर साइन 1 और सबसे कम साइन 3, तो जो आप बता रहे थे उसके बिल्कुल उल्टा आया है। हाँ बोलिए साइन 4 आएगा कहाँ, सबसे पहले ये देखिए 3.14 यहाँ आ रहा है, 3.14 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब साइन 4 कुछ यहाँ आएगा, है ना। इससे कितना दूर आएगा ये चेक करिए, कितना दूर आएगा 8.86, है ना, 0.86 0.86 डिस्टेंस पे आएगा, है ना। ये पॉइंट, ये बेटा ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमने लिखी ना पाई की, वैल्यू कितनी है 3.14 ये है, और ये वाली आपने कही 4 है, तो ये 3.14 से 4 तक पहुंचने के लिए 0.86 और नहीं चलना पड़ेगा, ये आ रही है हाइट। तो आप ये हाइट आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, ये हाइट देख लीजिए किससे कम है या किससे, वैसे तो ये हाइट निगेटिव हुई, तो ये आपका इन सबसे छोटा हुआ, क्योंकि ये इसकी वैल्यू साइन 4 की वैल्यू आपकी होगी निगेटिव, ठीक है। लेकिन अगर मॉडुलस में हो तब आपको हाइट में चेक करना पड़ेगा, फिर हाइट देखनी पड़ेगी किसकी कम किसकी ज़्यादा। साइन माइनस वन की वैल्यू इधर, तो सेम जैसे इधर आ रहा सेम ऐसे ही ग्राफ इधर बनेगा ना, इस तरीके से बना इस साइड में, इस साइड में साइन 1 की वैल्यू, तो साइन 1 की वैल्यू तो ये देखिए हमने निकाली है ना, ये हाइट साइन माइनस, तब तो बेटा माइनस इधर आपको आना पड़ेगा। क्या चीज बेटा सर, 180 अपॉन पाई कैसे इवैल्यूएट करें? 180 अपॉन पाई कैसे इवैल्यूएट करें बेटा? सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये क्या है, डिग्री है या रेडियन है। सर डिग्री फाइंड कर रहे हैं ना सर, तो अगर हमारा रेडियन 1 है तो हमारा जो आपकी है ना वो 180 अपॉन पाई तो आएगा। आपका 180 अपान पाई ये किस में है सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। अगर ये आपका साइन, ठीक है, साइन वन, तो साइन वन क्या है, डिग्री है रेडियन है क्या है ये तो बताइए पहले। अरे ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ने साइन वन, ये वन क्या है, रेडियन है, डिग्री नहीं है बेटा, ठीक है। अब ये डिग्री भी हो सकता है, तो डिग्री भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ने रेडियन की बात की है, ठीक है, तो पहले सर इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ना? नहीं, क्यों करेंगे हम, हमको पता है रेडियन में भी ना, रेडियन में भी पता है कि यहाँ पे वैल्यू होती है 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है, तो हम क्यों डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हम सीधे सीधे देखेंगे यहाँ पे 3.14 रेडियन है और यहाँ पे 1.57 रेडियन है, यहाँ पे हमारा 0.78 रेडियन है,
कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, डिग्री में होगा तब भी कोई जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की। डिग्री अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये पूरा ग्राफ डिग्री का है तो आपने रेडियन इस्तेमाल कर दिया। बेटा ये ग्राफ रेडियन और डिग्री दोनों का है, ये ग्राफ आपका रेडियन और डिग्री दोनों का है। यहाँ पे अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री हो जाता है आके, और अगर रेडियन की बात करें तो यहाँ पे पाई रेडियन हो जाता है, मतलब 3.14 हो जाता है। तो अब आपका क्वेश्चन जिसमें भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्या था, रेडियन में था, तो आप देख लीजिए रेडियन वन कहाँ जाएगा, ये देखिए वन रेडियन वन यहाँ आ रहा था, आप सारी वैल्यू देख लीजिए, थ्री कहाँ जा रहा था, टू कहाँ जा रहा था। और अगर आपका डिग्री में है तो डिग्री आप देख लीजिए कहाँ जा रहा है, 45 डिग्री ये देखिए यहाँ आ रहा है, वो 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, 45 डिग्री यहाँ आ रहा है, जिसमें हो उसमें देख लीजिए। ग्राफ तो दोनों में है, दोनों की वैल्यू हमने बता दी। बेटा साइन टू आपका साइन वन से ग्रेटर कैसे हो गया। साइन टू, टू आपका क्या है, रेडियन है, और रेडियन टू कहाँ पे आ रहा है, देखिए रेडियन टू यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये हाइट हो गई साइन टू की वैल्यू, ये जो हमने रेड दिखाई है ये हाइट, ये किसकी है, साइन टू की वैल्यू। बार बार ग्राफ तुम लोग यार आ जाया करो ऑफलाइन, अगर इतनी आप लोगों को छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है। ये आपकी सिंपल सा है साइन टू, टू आपका रेडियन, साइन टू की ये हाइट है, ठीक है, और साइन वन की ये हाइट है, तो आप कंपेयर कर लीजिए कौन सी हाइट कम है, बस बात खत्म है, ये हम बोल रहे हैं, क्या इसमें मुश्किल है। सारी वैल्यू आपको पता है, यहाँ टोटल 3.14 होती, अब आप उसको डिवाइड कर जाओ पाई बाई टू, मतलब यहाँ पे 1.57 रेडियन होता है, यहाँ पे आपका 0.78 रेडियन होता है, ठीक है। जब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपके 3.14 रेडियन पता है, ठीक है, रेडियन यहाँ पे कितना हो रहा है, रेडियन यहाँ पे हो रहा है 3.14, और डिग्री यहाँ पे कितना हो रहा है, डिग्री हो रहा है 180, ठीक है। तो अब डिग्री वाला अगर आया है तो इस पूरे इतने पार्ट को 180 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए कौन डिग्री कहाँ पे आ रहा है, और अगर रेडियन आया तो 3.14 रेडियन टोटल इतना हो गया, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जितने रेडियन जहाँ दे रखा हो आप देख लीजिए वो कहाँ रहा, फिर आप उसकी हाइट कंपेयर कर लीजिए, बस बात खत्म होती है, ये है। सर वैसे ही सर साइन 180 और साइन 360 के बीच में सर साइन की कौन सी वैल्यू पे सर आंसर आएगा माइनस का। अरे यहाँ पे जैसे पाई बाय 2 की वैल्यू ये 1 आ रही है, ठीक है, तो 1 कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है सर, यहाँ पे मतलब साइन पाई बाय 2 का ही आएगा। अब ये देख लो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, मतलब 3 पाई बाय 2 पे है ना, बस। हाँ रेडियन की निकाल लो, ठीक, वो तो अब यहाँ जैसे पाई तुम्हारा है तो यहाँ हो गया 2 पाई है ना, अब 2 पाई की वैल्यू डाल दो तो ये यहाँ तक टोटल हो गया, सिमिलर, बस इतना पार्ट सिमिलर चलता है, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इधर ऊपर है इधर अगर हम लोग आएंगे तो नीचे आ जाएगा, सिमिलर ये आपका पार्ट चलना है। तो ये कॉन्सेप्ट यार क्लियर है कि नहीं ये बताइए आप लोग, अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या, बोले रेडियन 2 कैसे मार्क करेंगे और रेडियन 1 से, मतलब क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है ना कहां पर है डिस्टेंस। बेटा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में आपको इस ग्राफ में ये तो पता है कि यहाँ पे कितना रेडियन होता है इस पॉइंट पे, तो जब इस पॉइंट पे आपको पता है 3.14 रेडियन होता है तो फिर 1 रेडियन कहाँ होगा, 2 रेडियन नहीं होगा, ये तो आपको पता चल जाएगा ना, इसी में आप देख लो, यहाँ पे आपको पता है कितना रेडियन होता है, यहाँ पे 1.57 रेडियन होता है ना, तो जब यहाँ पे 1.57 रेडियन है, यहाँ पे 0.78 रेडियन है, तो 0.78 और 1.57 के बीच में ही तो 1 रेडियन होगा है ना, तो यहाँ हमने बीच में बताया है, अब इससे ये कितना पीछे है आप कंपेयर करके पता लगा लोगे किसकी हाइट है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम ये ग्राफ है, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम ग्राफ है, अब इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है 1 की डिस्टेंस ज़्यादा है और इस पॉइंट की इस 2 से डिस्टेंस कम है, तो भाई इस जो ये सबसे मैक्सिमम हाइट का है इससे जितने जो नज़दीक होगा उतने ज़्यादा वो उसकी हाइट होगी, उतने ज़्यादा वो बड़ा होगा, बात क्लियर कि नहीं क्लियर है, yes. है ना, किसी एक बड़ा सा ग्राफ बना के कहीं बताएं क्या sir,
समझ गए। डिस्टेंस उसकी 1 से ज्यादा 1.57 से 2 की डिस्टेंस ज्यादा पास है तो वो ज्यादा है। हां और हां वन की ज्यादा है तो वो छोटा है। जी बिल्कुल ठीक है। बड़ा सा ग्राफ बनाना, बिल्कुल ऐसे बड़ा बनाना ये ग्राफ, फिर ये बिल्कुल ऐसे बनाना ठीक है। आपको पता है ये जो हाइट है, ये हाइट पाई बाई टू मतलब कितनी है 1.57 ठीक है, ये आपकी हाइट है। अब आप देखना इसमें, अब आप इसमें देखना वन कहाँ पे आ रहा है, वन कहीं पे यहाँ पे आएगा, कितनी दूरी पे आएगा वन, यहाँ पे कितनी दूरी पे आएगा 0.57 डिस्टेंस पे, 0.57 डिस्टेंस पे आएगा ये वन, ये वन ठीक है। और उसके बाद आप देखिए टू कहाँ पे आएगा, टू आएगा इतनी डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे आपकी टू आएगा, कितनी डिस्टेंस पे बेटा, क्या अभी हमने निकाला था 0.43 हाँ 0.43 इस डिस्टेंस पे आएगा ये। तो आप देखो ये आपका मैक्सिमम था ये वाला, इससे देखो 0.57 डिस्टेंस पे ये है और इससे 0.43 डिस्टेंस पे ये है, तो ये वाला आपका ज़्यादा पास है, तो ये वाला ज़्यादा हाइट का नहीं हो गया, ऐसे हमने कंपेयर किया है ठीक है। क्लियर है क्या सबको, बोलिए बेटा। चलिए ओके ओके हाँ है आ जाएगा, जो भी एनटीएससी में आपके आता है ट्रिगो से रिलेटेड सब अभी आपको सामने होगा। तो ये बेटा आपका साइन का ग्राफ हो गया है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका सफिशियंट होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ठीक है। अब ये कुछ भी चेंज करे, साइन 1, 2, 3 की जगह कुछ भी चेंज करे ठीक है, अगर रेडियन में है तो आप देख लोगे वो रेडियन कहाँ पास जा रहा है और उसकी हाइट आप देख लोगे कितनी है, किसकी हाइट ज़्यादा है किसकी हाइट कम है पता चल जाएगा ठीक है। और अगर ये डिग्री में भी है, साइन 30 डिग्री साइन 40 डिग्री इस तरीके से है, तो वो भी आप देख लोगे। जैसे आपका एक और चलो डिग्री में हम लोग बता देते हैं, ये आपका इस तरीके से ग्राफ बना है ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है 90 है ठीक है। अब 90 से इसने पूछा कि 80 डिग्री ये है, यहाँ 80 डिग्री और ये इसने दिया 80 डिग्री ले लिया और आप ले लो कितना ले लें हम लोग, हाँ 80 चलो हाँ 80 आपका ये वाला हो गया। और इधर हम लोग 80 से थोड़ा सा और 15 आगे चल लें तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा चल लें, ये आपका हो जाएगा 115 डिग्री ठीक है, हो गया ना 105 कुछ भी 115 कर लो कुछ भी कर लो। अब आप देखो 90 से ये कितना दूर पे है, 10 डिस्टेंस पर है ना, और ये कितना है अगर 115 हम ले रहे हैं तो ये कितना 25 पे है ना 25, तो भाई इस मैक्सिमम से ये 25 वाला ज़्यादा दूर है, इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा, और ये कम दूर है इसका मतलब ये आपका बड़ा होगा है ना। तो अब आपसे पूछ सकता है कि साइन 80 डिग्री या फिर साइन 115 डिग्री कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप देख के खट से बता दोगे। तो चाहे डिग्री वाला हो तो आप डिग्री से आप कंपेयर करके इस तरीके से बता दोगे, चाहे अंदर रेडियन वाला हो तो आपको रेडियन में भी वैल्यू पता है, रेडियन से आप कंपेयर करके बता सकते हो हाँ कॉस का यही होगा, चलो वो भी बता रहे हैं। तो ये साइन का ग्राफ हो गया, साइन में कुछ भी कंपेयर आएगा, साइन में साइन डिग्री का चाहे हो और चाहे रेडियन का हो सब कंपेयर कर लोगे। कॉस का ग्राफ क्या होता है, सिर्फ इसी ग्राफ को हम लोग 90 डिग्री शिफ्ट कर देते हैं पीछे ठीक है। आइए देखिए ये वाला तो आपको क्वेश्चन पता चल गया, इसका आंसर क्या है 2 सबसे ग्रेटर फिर साइन 1 फिर साइन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है जिसमें साइन और कॉस दोनों को एक साथ कंपेयर किया गया है, आइए ग्राफ बनाते हैं हम लोग जरा। साइन का तो हमने अभी अभी आपको ग्राफ बताया ये ठीक है, कॉस का हम लोग जरा ग्राफ बनाते हैं। तो इसका हमने क्या बोला 90 शिफ्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा ये ठीक है, ये यहाँ तक आ गया आपका। फिर ये इस तरीके से घूम जाता है ये ठीक है, 90 सिर्फ शिफ्ट हो गया है ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है 180 डिग्री या कह लीजिए आप पाई रेडियन ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है ये 90 ठीक है, 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2 दोनों चीज़ें ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है पाई बाई 4 है ना, या फिर आप कह ले 45 डिग्री ठीक है। अब देखिए साइन 1 कहाँ आएगा बेटा,
वन कहीं पे यहाँ आएगा, क्योंकि पाई बाई फोर की वैल्यू आपने अभी अभी देखा क्या क्या होती है, पाई बाई फोर की वैल्यू 0.78 होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है आपकी 0.78, ठीक है, और ये 90, इसकी वैल्यू कितनी होती, 90 की वैल्यू 1.57 है ना, 1.57। तो इसके बीच में कहीं वन होगा, यहाँ पे कहीं वन होगा ये। अब देखिए इस जगह पे वन पे साइन की हाइट यहाँ तक है और कॉस की हाइट यहाँ तक है, तो साइन की हाइट ज़्यादा है कि नहीं है बताइए आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे, इस वन पर साइन की हाइट कॉस की हाइट से ज़्यादा है कि नहीं है, है ना। तो इसका मतलब साइन वन आपका ग्रेटर हो गया कॉस वन से, ठीक है बेटा। साइन वन की हाइट, ये वाला रेड वाला साइन का ग्राफ है, तो साइन वन की हाइट ये देखिए यहाँ तक जा रही है, और कॉस ये येलो वाला ग्राफ है, कॉस की हाइट यहीं तक आ रही है, तो कॉस की हाइट कम है ना, साइन की हाइट ज़्यादा है, तो साइन वन ज़्यादा। साइन वन वन से कितना दूर था पिछले में, देखिए पिछले में क्या बताइए, देखिए नहीं, देखो 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 कॉस कट कहाँ कर रहा है, कॉस और साइन कट कर रहा है ये पाई बाई फोर पे। सर मैंने ऐसे कैसे, मैंने दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाया। अलग अलग बनाओ या कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यहाँ पे सर कॉस वन की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, सर यहाँ पे सर ये वन की वैल्यू है, सर इसको भी छोड़ दीजिए, सर यहाँ पे वन की वैल्यू, सर पाई बाई फोर 0.78 पे, सर यहाँ पे कॉस वन की वैल्यू आ रही है। यहाँ पे कैसे आएगी, जस्ट यहाँ पे जब वो करेगा तो यहाँ पे तो वो जीरो होगा कॉस, यहाँ पे तो वो जीरो होगा इस पॉइंट पे, 90 शिफ्ट हो रहा है ना सर, ये साइड शिफ्ट हो रहा है इस साइड में, इस साइड में पीछे इतना शिफ्ट हुआ ना, तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला ग्राफ बना, ये कट करेगा यहाँ 45 पे, समझ गए। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर है, सिंपल था, ठीक है। एक बार ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन ये भी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं, वैल्यू ऑफ साइन 20 कॉस 20 100। चलो आ जाओ, साइन और कॉस दोनों की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है साइन का, ठीक है, ये आपका ग्राफ है कॉस का, ये हो गया फिर ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे होता है आपका पाई बाई टू, और यहाँ पे होता है आपका पाई एक, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये होता है आपका पाई और ये होता है आपका 2 पाई, पूरा एक सर्किल घूमने के बाद, है ना, या फिर कह लो ये आपका होता है 360 डिग्री और ये होता है आपका 180 डिग्री। इधर अगर हम लोग बात करें, ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। चलिए 200 डिग्री कहाँ आएगा बेटा, ये 180 यहाँ है, 360 यहाँ है, इसका मतलब इसके बीच में कहीं यहीं आएगा, है ना, 200 के आस 200 यहीं कहीं आएगा, ठीक है 200 डिग्री। और अगर इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पे 180 हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 डिग्री, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा 270 डिग्री, है ना। 90 इतना हुआ, फिर से 90 इतना हुआ, फिर से 90 इतना हुआ, 270 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 200 कहाँ पे आएगा, इसी के बीच में यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी साइन 200 की वैल्यू ये भी निगेटिव में, कॉस 200 की वैल्यू ये भी निगेटिव में, दोनों वैल्यू निगेटिव में, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, तो ओवरऑल वैल्यू किस में होगी बच्चे, निगेटिव होगी कि नहीं होगी। साइन पाई बाई फोर की वैल्यू बड़ी होगी या कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू, दोनों की इक्वल होती है, टेबल में रटा नहीं 1/√2, और ग्राफ में अभी देखा नहीं, ये देखो ग्राफ में अभी अभी हमने बनाया था, यहाँ पे दोनों एक जगह कट कर रहे हैं, ये पाई बाई फोर पे दोनों की इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, पाई बाई फोर की वैल्यू देखिए, साइन और कॉस दोनों एक जगह कट कर रही हैं, दोनों की हाइट एक जैसी है तो इक्वल होती है, टेबल में जो आपने रट रखी है वैल्यू वहाँ से भी आपको पता होगा कि दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, ठीक है, ये वाला क्लियर है, दोनों निगेटिव ऐड होकर दोनों निगेटिव हो जाएंगे, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। ग्राफ पे बस
ये आपके तीन क्वेश्चन हमें लगता है बहुत है इसी टाइप का आएगा, या तो साइन साइन को ही कंपेयर करवा लेगा, या साइन और कॉस को कंपेयर करवा लेगा, और या तो इस तरीके से कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो रही है नेगेटिव हो रही है, वो भी हो सकता है ना, हो सकता है कभी प्लस की या माइनस की या कुछ भी हो सकती है, हो सकता है इसमें का कोई एक प्लस का एक साइन प्लस का आ रहा हो, कॉस माइनस का आ रहा हो, तो आप देख लोगे कि प्लस वाला ज़्यादा बड़ा आ रहा है या माइनस वाला ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका ग्राफ का था, साइन और कॉस का, कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपका साइन और कॉस पे बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। विच इज स्मॉलर, साइन 60 कॉस 60? चलिए फटाफट इस पे भी आ जाइए आप, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये आपका साइन का इस तरीके से ग्राफ, और ये आपका कॉस का ग्राफ। यहाँ पे आपका कितना हो रहा है 45 डिग्री, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, क्लियर। हमको चाहिए 66 डिग्री, इसका मतलब कहाँ होगा, 40 और 90 के बीच में कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, साइन बड़ा है कॉस छोटा है, ठीक है, साइन बड़ा है कॉस छोटा है, तो विच इज़ स्मॉलर, कॉस छोटा है, बस यहीं तक कॉस है, बहुत आसान था। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे हमें लगता है सबसे। क्यों बेटा बोलिए बताइए, कोई मुश्किल तो नहीं होगी? इस टाइप के ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे अब हो जाएंगे, साइन और कॉस का ग्राफ आपको पता चल गया, बताइए। अच्छा तो चलिए अब यार हम लोग स्पीड बहुत बढ़ाते हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं, अभी 6 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, थोड़ा सा स्पीड भी भागते हैं, या फिर आज 10 क्वेश्चन या फिर आज कम क्वेश्चन करें, ठीक है, केवल कुछ क्वेश्चन कर लें, एक और क्लास इसी पे ले लेंगे बाकी बचे हुए क्वेश्चन के, टाइम भी हो गया है, ग्राफ भी समझते समझते। 7th वाला क्वेश्चन तो चलो कर ही लेते हैं, बाकी क्वेश्चन लोग कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू कॉस एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, निकालना है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कैसे आ सकता है? दोनों तरफ रूट टू से मल्टीप्लाई करो, जरा देखो क्या आ रहा है। तो रूट टू से जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो रूट टू कॉस एक्स रूट टू साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू मतलब टू कॉस एक्स, ठीक है। टू कॉस एक्स की तरफ एक कॉस एक्स कहीं मिल रहा है, कुछ हो रहा है, रूट टू कॉस एक्स रूट टू साइन एक्स और टू कॉस एक्स। अब देखिए इसमें निकालना है हम लोगों को, अच्छा रूट टू कॉस एक्स की वैल्यू क्या चीज़ बेटा, स्क्वायरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूट टू कॉस एक्स, अच्छा रूट टू कॉस एक्स की वैल्यू पुट करो एक बार, रूट टू कॉस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ से, रूट टू कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है ना, तो ये वैल्यू पुट करो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस रूट टू साइन एक्स इज इक्वल टू टू कॉस एक्स। ये हमने काम इसलिए किया है क्योंकि इधर 2 cos x था, अब ये cos x इधर से उधर जब जाएगा तो बन जाएगा आपका केवल cos x, जो कि हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग इधर से उधर ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा केवल cos x, ठीक है, डन, इन दोनों का काम ख़त्म। उसके बाद sin x इसको भी आप उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा माइनस का sin x, और यही चीज़ हमको लगता निकालना था, cos x माइनस sin x, तो इधर क्या बचा, रूट टू sin x, कोई ऑप्शन है क्या? हाँ सर, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से नहीं कर सकते हो, कई सर रूट टू कॉस एक्स हो नहीं सकता, वरना बहुत सारे इक्वल का ऑप्शन सही हो जाएगा सर, तो ऑप्शन इक्वल हो नहीं सकते, पहला वाला हो जाएगा। हो सकता है, ऑप्शन में तो कई ट्रिक लग जाती हैं, ऑप्शन से ही चेक कर लो, ऑप्शन में कई सारे फायदा हो जाते हैं, जब कभी कभी हो जाता है ना, नाफ दूस भी ऐसा नहीं है, है ना, तो कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ ना हो तो तुक्का लगाओ, है ना। तो इक्वल दिख ही रहा है सर, रूट टू कॉस एक्स सर, रूट टू कॉस एक्स दोनों तो नहीं सकता साथ में सर, मतलब वो दोनों है नहीं, या तो ए या तो बी होता नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग फटाफट करते हैं, जरा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें निकालना है कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो आपको कुछ ऐसा पता होगा, क्या पता है, sec माइनस टैन की एक आइडेंटिटी पता है आपको, sec स्क्वायर क्यू माइनस टैन स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ये आइडेंटिटी पता है, ठीक है, ये आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, sec क्यू प्लस
टेन क्यू, एक बार प्लस में आपने लिखा, एक बार माइनस में लिखिए, सेक क्यू माइनस टेन क्यू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इज इक्वल टू वन। माइनस वाली की वैल्यू पी दे रखी है, इसकी वैल्यू मतलब पी दे रखी है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, सेक क्यू प्लस टेन क्यू, इसकी जगह जब आप पी डालोगे तो वो आएगा वन अपान पी। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन बन चुका है। दूसरा इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये दूसरा, ठीक है, इसको आप वन मान लो, इसको आप टू मान लो, अब आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, सेक प्लस टेन दे रखा है, दूसरा वाला उठा के यहीं रखो, सेक क्यू माइनस टेन क्यू इज इक्वल टू पी, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, दोनों कट गए, सेक सेक टू सेक क्यू इज इक्वल टू पी प्लस वन अपान पी, तो यहाँ से आ गया आपका सेक क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, ये पी पी आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का वन अपान पी, और ये टू आपका मल्टीप्लाई में है जो कि यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो सेक क्यू की वैल्यू आ रही पी स्क्वायर प्लस वन अपान टू पी, और निकालना है कॉस क्यू, तो इसका इन्वर्स कर दो, आंसर आपके सामने है। ठीक है, इसका इन्वर्स कर दो, आंसर आपके सामने है। डन बच्चे, बताइए कंप्लीट ये क्वेश्चन। तो ये चीज़ें तो आसान आसान थी, मेन आज आपका टॉपिक था ग्राफ। ग्राफ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने भी बनाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है, दोनों का ग्राफ आपको समझ में आ गया अगर कि क्या है, तो फिर कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, किसी को कंपेयर किया गया हो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, आपकी क्लास यहीं पे कंप्लीट, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे।